पसंद है नगीना, पसंद है। मैं जानता हूं सिर्फ जज्बाती शेर आपकी खिदमत में पेश करूं तो आप खड़े होकर के नारे तकबीर लगाने लगे, मगर जो हकीकत में जो इस जलसे में पढ़ना चाहिए वो कोई शायर कहता है बिल्कुल खामोश, ऐसा लगता है कि आप है ही नहीं। आप हौसला बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मिजाज की शायरी पढ़ूंगा। कि हीरा पसंद है नगीना, पसंद है नगीना, पसंद है हीरा, पसंद है नगीना, पसंद है नगीना, पसंद है माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, बस ऐसे ही सुनिए ताकि कोई शेर ऐसा इधर उधर का न सुनाने भी आए। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों को। अरे क्या है मुश्किल दिल उसके सामने, सामने क्या है मुश्किल दिल उसके सामने, दिल उसके सामने पसंद है, मेरे नबी का पसीना पसंद है, पसीना पसंद है। माशाल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस चार मिसरे का इस्तेमाल किया, मेरा भी हौसला बढ़ा। मैं इस हौसले के हवाले से चार मिसरे और पहुंचाता हूं आपको खिदमत में बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। अब देखता हूं कौन शख्स खामोश रहता है। इम्तिहान है कि तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे। तवज्जो चाहूंगा, ये मोहल्ला तो जज्बाती है, इधर बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं। आप भी कुछ पेश कीजिए। मैं पेश करता हूं मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे, 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 तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे, तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे, बहुत खुश हो रहे हैं और आपके कारी सरफराज साहब और दीगर उलमा इकराम, अच्छा लग रहा है मुझे कि तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे, इस्लामी पहचान बदल ना पाओगे। अब कुर्सियों तक भी पहुंचता हो, ये सब बेदार हो चुके कुर्सिया वाले दुआएं देंगे इंशाल्लाह कि लाख बदल दो, लाख बदल दो दुनिया की हर एक किताब। मिश्रा बोल रहा है कि लाख बदल
बदल दो दुनिया 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 की हर एक ताब तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे लाख बदल दो दुनिया की हर एक ताब किसी इलाके में कुरान पाक को जला करके पता नहीं क्या मिल रहा है उन खबीसों को दिल खैराबादी चार चार जिसे करके कोई शख्स उड़ता है बस जबान वो हैवान भी ऐसा नहीं करता जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशान अक्दस में गुस्ताखी करे अल्लाह उसे हिदायत दे या उसे हलाक कर दे अब फिर इम्तिहान लेता है दिल खैराबादी कोई दाद वाद की जरूरत नहीं खुद आप मजबूरन दाद देंगे इंशाअल्लाह ऐसा शेर इन शेरों के दरमियान पढ़ता हूं कि सरजमीन गुजरात में हजरत मौलाना वहां के जो बहुत ही मकबूल और मशहूर आलिम दीन है कारी अहमद अली साहब उनके इलाके में मैंने चार मिसरे कहे जब कुत्ते की वो मौत मरेगा वो भी इनकलाबी खतीब है उन्होंने हौसला मुझे बख्शा फिर कुत्ते की मौत से बढ़ करके उसको सजा देने की कोशिश की है एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह मौत मरेगा कि कुत्ते भी नहीं
खाएंगे अब तेरी लाश को, अब तेरी लाश को, अब तेरी लाश को, कुत्ते भी नहीं खाएंगे अब उसकी लाश को, अब उसकी लाश को, कुत्ते आपकी खिदमत में आपको बेदार करने के लिए मैंने सहारा लिया। आइए हजरात, एक बहुत ही उम्दा कलाम जो आपकी खिदमत में हाजिर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, हौसला बख्शिएगा। हजरत मुफ्ती साहब ने जो इत्तेहाद का मैसेज दिया, पैगाम दिया इस्लाह मुआशरा के हवाले से, दिल खैराबादी उसी को नज्म करने की कोशिश करता है। मुलायजा फरमाए, मसला पेश करता हूँ बतौर खास। मुलायजा फरमाए कि मोहम्मद मुस्तफा के दर का जो दरबान होता है, अब पूरा मनबा कहे सुभान अल्लाह, कि मोहम्मद मुस्तफा के दर का जो दरबान होता है, के नौजवान बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे अभी सब में बैठे हैं। इन तालिबे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम असातिज़ा इकराम के तवस्सुल से इन टूटी फूटी चटाई पे बैठ के पढ़ने वाले कुरान पाक, पतली पतली दाल खाने वाले ये नौजवान बच्चे, इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क के एक दिन सिपाही हो जाएंगे। पेश करता हूँ मुलायजा फरमाए कि हमारी हमारी मगफिरत का बिली यकीन सामान होता है, तवज्जो चाहूंगा, हमारी मगफिरत का बिली यकीन सामान होता है, भाई तवज्जो चाहूंगा, हमारी मगफिरत का बिली यकीन सामान होता है, तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा इकराम के सामने ये शेर हाजिर करता है, जिस शेर पे मुझे फख्र है कि मैंने ऐसा शेर, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे दामन में दिया ये शेर। पेश करता हूँ कौमी यकजहती और हिंदुस्तान के इस दाई से पेश करता हूँ मुलायजा फरमाए, सामान होता है हमारी मगफिरत का बिली यकीन, सामान होता
सबसे कीमती शेर यहाँ पे बरेली हजरत के भी कुछ लोग हैं। दिल खैराबादी इस तमाम आसमी नदवी मजाहिरी तमाम लोगों की तरफ से एक पैगाम उन भाइयों तक पहुंचाता है, अगर हो सके अच्छा लगे कबूल करें और वो यकजहती का सबूत पेश करें। पेश करता हूं मुलायदा फरमान, हमारी मगफिरत का बिली यकीन सामान होता है खुदा के वास्ते, अब खत्म कर दो मसल की झगड़े। शाह सबसे अच्छा शेर है कि खुदा के वास्ते अब बंद कर दो मसल की झगड़े, खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसल की झगड़े, खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसल की झगड़े, बहुत नुकसान होता है। ये सबसे अच्छा शेर था, मगर गाइस पे खुदा की कसम खामोशी देख करके दिल थोड़ा सा महरूम रह गया कि मैंने अच्छा शेर किया, शेर आपकी नजर किया और कोई तवज्जो नहीं, कोई सुभान अल्लाह नहीं। मैं गाइस की तरफ से एक नारा लगाता हूँ यकजहती का, नारे पूरा मजमा हाथ उठा करके इस्तकबाल करें, नारे हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है, हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। और हुफाज़े इकराम मदारिस इस्लामिया के तमाम असातिज़ा इकराम भी तशरीफ रखते हैं। एक शेर पेश करता हूँ, दुनिया का कितना भी इल्मदा हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी नौकरी, किसी भी डिग्री, किसी भी वजीर आजम हो, अल्लाह ने उसको वो मकाम नहीं दिया है एक 7 साल के जो हाफिज कुरान को अल्लाह ने मर्तबा दे दिया है। दिल खैराबादी पेश करता है मुलायदा फरमाया कि मुबारक मुबारक कोई भी सीना नहीं हाफिज के सीने से, कह दीजिए सुभान अल्लाह, हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है, मुबारक कोई भी सीना नहीं हाफिज के सीने से, मुबारक कोई भी सीना नहीं हाफिज के सीने से, मुबारक कोई भी सीना नहीं हाफिज के सीने से, मुबारक कोई भी सीना जुज़दान होता है, ये वो सीना है जो कुरान का जुज़दान होता है, ये वो सीना है जो कुरान का जुज़दान होता है। और अनल ऐलान होता है, एक काफिया आता है बतौर खास मुलायदा फरमाया कि मुनाफिक की तरह छिप छिप के सरगोशी नहीं होती। तवज्जो चाहूंगा माशाल्लाह, देखिए बहुत ही
دعا سنواد رہے علماء اکرام کہ منافق کی طرح چھپ چھپ کے سرگوشی نہیں ہوتی منافق کی طرح چھپ چھپ کے سرگوشی نہیں ہوتی منافق کی طرح چھپ چھپ کے سرگوشی نہیں ہوتی منافق کی طرح چھپ چھپ کے سرگوشی نہیں ہوتی یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے علن اعلان ہوتا ہے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے علن اعلان ہوتا ہے آخری شعر پیش کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھا شعر ملاحظہ فرمائے کہ مٹانے سے غلامان پیغمبر مٹ نہیں سکتے مٹانے سے غلامان پیغمبر مٹ نہیں سکتے صرف کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے زبان سے صرف کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے زبان سے صرف کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے ایک شعر اور چھوٹ رہا تھا کیوں نہ اسے بھی پورا کر لوں وہ خطبہ ہو کہ شیبہ بو لہب چھپ چھپ کے سنتے ہیں توجہ جاؤں گا وہ خطبہ ہو کہ شیبہ بو لہب چھپ چھپ کے سنتے ہیں وہ خطبہ ہو کہ شیبہ ہو وہ خطبہ ہو کہ شیبہ بو لہب چھپ چھپ کے سنتے ہیں بڑا ہی پرکشش اللہ کا قرآن ہوتا ہے بڑا ہی پرکشش اللہ کرتا ہوں رقم اہل قلم کرتے ہے جب ناتے نبی اے دل ناتے نبی اے دل ناتے نبی اے دل رقم اہل قلم کرتے ہے جب ناتے نبی اے دل رقم اہل قلم کر دے جب ناتے نبی اے دل رقم اہل قلم یقین سامان ہوتا ہے مہیا بل یقین مہیا مغفرت کا بل یقین سامان ہوتا ہے آخری میں جاتے جاتے پھر وہی شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک بار شعر کا استقبال کیجیے گا ملاحظہ فرمائے کہ خدا کے واسطے اب ختم کر دو مسلک جھگڑے خدا کے واسطے اب ختم کر دو مسلک جھگڑے خدا کے واسطے اب ختم کر دو مسلک
इससे हमारे कौम का इससे बहुत नुकसान होता है हमारे कौम का इससे बहुत नुकसान।